तो व्यूअर्स भाई आ गए थे लांच से और बहुत सारे केकड़े लेके आए थे, फिश भी लेके आए थे बट केकड़े बहुत सारे लेके आए थे। और ये क्लीन भी खुद ही कर रहे थे क्योंकि हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये केकड़ों को साफ़ करने की टेक्निक चाहिए। और जन्नत को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए जन्नत की वजह से केकड़े ज़रूर आते हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, तो व्यूअर्स मेरी अभी हुई है सुबह और मैं जो है ना अभी उठी थी तो जन्नत ने मुझे उठाया था कि उठ जाए, भाई आ गए, मेरे भाई लांच से आ गए। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, भाई जो है ना केकड़े लेके आए, मैं दिखाती हूँ केकड़े की क्लीनिंग कर रहे हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को केकड़े। और जन्नत तो बहुत हैप्पी हो गई क्योंकि जन्नत को केकड़े शेकड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। फ़िश मैं खाती हूँ, फ़िश लवर हूँ, बट मैं केकड़े शेकड़े बिल्कुल नहीं खाती। तो चलते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये फ़िश की क्लीनिंग भाई ने की है और ये केकड़े। हाँ शुक्र है मालिक का। नहीं नहीं अल्लाह का काम, अल्लाह का खेल खेल ऐसे लाया। और केकड़ा वेकड़ा लाया हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो व्यूअर्स हम जाने लगे हैं हॉस्पिटल, वो सिस्टर की जो सास है ना उनको देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मैं गई थी आई थिंक 4-5 दिन तो हो चुके हैं, तो अभी मैं उनको देखने जा रही हूँ। और मैं और सिस्टर हम दोनों जा रहे हैं साथ में। मम्मा और बाबा कल देखने गए थे और कल हम इसलिए नहीं गए क्योंकि कल हमें मार्केट जाना था, हम कल मार्केट गए थे सलोन का, हमें कुछ सामान वगैरह लेना था। तो अभी हम जाने लगे हॉस्पिटल, तो आप लोग भी साथ बने रहिए। आप लोग भी व्यूअर्स हम हॉस्पिटल से देख वेख के आ गए थे, वहाँ पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं था, तो अब हम यहाँ पे बैठ के खा रहे थे शवरमा, क्योंकि बाहर जाकर कुछ खाए नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम बना रहे थे शवरमा और वहीं पे बैठ के हमने कहा यहीं पे बैठ के खा लेंगे, क्योंकि जन्नत को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। वो आजकल टैबलेट्स ले रही है ना, कि भूख लगने वाली टैबलेट्स ले रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हॉस्पिटल पर भी जाके वो खाने बैठ गई थी, तो सब खाना खा रहे थे, तो जन्नत भी जाके बैठ गई उनके साथ। अब फिर रास्ते में इसको भूख लग गई, तो मैंने कहा चलो शवरमा बनवा के शवरमा खा लेते हैं। तो ये हम वहीं पे बैठ गए थे और शवरमा वो बना रहे थे, हम बैठ के एंजॉय भी कर रहे थे और मैं वीडियो भी बना रही थी। तो बड़ा अच्छा टेस्ट था यहाँ का। ये अब्बासी के पास ही है, ये थोड़ा हम पैदल पैदल आगे आए थे, फिर ये परी भी है वहाँ से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम वहीं पर बैठ के खा पी के फिर हम घर के लिए रवाना हुए। तो हमें जाना था मार्केट पापोश, क्योंकि रास्ते में ही पापोश भी है, क्योंकि यहाँ पापोश में जो है ना कॉस्मेटिक से हमें प्रोडक्ट लेना था, कैरोटीन का सामान लेना था। इस वक्त छत पे हूँ और इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम है कि मैं क्या बताऊँ, मज़ा आ गया, सुकून मिला है दिल को। मैं छत पे आई हूँ, मैं मौसम देख के हैरान हो गई यार, कितना प्यारा मौसम है। मैं सोई हुई थी ना सुबह से, मैं 6:30 बजे सोई थी और अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मुझे नींद बहुत आ रही थी क्योंकि रात को मैं सोई नहीं थी, बड़ा मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। मैं दिखाती हूँ मौसम, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। वाओ व्यूअर्स ये देखिए कितना प्यारा मौसम है, कितना प्यारा मौसम है माशाल्लाह। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए काले काले बादल, बेटा काले बादल तब तक आए नहीं है, ये है काले बादल, स्काई कोई नहीं, स्काई वाले बादल है ही नहीं, काले काले बादल है। ये देखें व्यूअर्स, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखिए वाह व्यूअर्स हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, कितना मज़ा आ रहा है, वाह वाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है व्यूअर्स, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, वाह बड़ा मज़ा आ रहा है, बारिश बारिश का मौसम हो रहा है। और खाना वगैरह जन्नत ने बना लिया, आज बनी है फ़िश बिरयानी और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, अभी मैं डायरेक्टली नीचे जाके खाना खाऊंगी। कल मैं हॉस्पिटल से आई थी रात को कितने बजे, 9:30 बजे, बहुत थक गई थी, आंटी को देखने गई हुई थी हॉस्पिटल और आई विश के बहुत तेज़ बारिश हो जाए, और बहुत इंतज़ार के बाद आखिर ये मौसम आया बारिशों का, और मुझे तो बहुत इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार है कि बारिश हो जाए। तो अभी मैं थोड़ी देर एंजॉय करती हूँ मौसम को, फिर नीचे जाती हूँ खाना खाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ जन्नत ने बिरयानी बनाई है, फिश बिरयानी।
को अभी खानी है फिश बिरयानी, वो आ जाए। और मुझे बी ब्यूटीफुल विद ईज़ा से बात करनी थी यार, सॉरी। पता है क्या, पता नहीं मेरे इंस्टा की आईडी नहीं बन रही है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। इतने महीने से मेरा चैनल है, आई थिंक 8-9 मंथ्स हो चुके हैं मेरे चैनल को, बट मैंने कभी इंस्टा बनाया नहीं है और मुझे उसकी नीड भी नहीं हुई। बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टा की नीड हुई है, बट मेरी आईडी नहीं बन रही। मैंने कितनी दफ़ा, 4-5 दफ़ा इंस्टॉल करके मैंने फिर दोबारा से न्यू आईडी बनाने की कोशिश की, बट वो हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। जीमेल से वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा और वो पासवर्ड भी नहीं दे रहे, पता नहीं क्या मसला है, मेरी समझ से बाहर है। बट मैंने जो वीडियो मैंने बनाई थी मिलने की, कौन कौन हमसे मिलना चाहता है, उसके बाद वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था आपको मैं इंस्टा की आईडी बताऊंगी। बस सिर्फ वजह यही है, इंस्टा की आईडी मतलब बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये कि मेरी आईडी नहीं बन रही, सिर्फ मैं ये मुझे मसला हो रहा है। जैसे ही मेरी इंस्टा की आईडी बन जाती है मैं फिर आपको ज़रूर शेयर करूंगी अपनी इंस्टा की आईडी, उसके लिए मैं अलग व्लॉग बनाऊंगी। तो उसके लिए बहुत माजरत, मैं आपको बहुत वेट करवा रही हूँ। सब चलते हैं नीचे की तरफ क्योंकि खाना खाना है, भूख लग गई है क्योंकि नाश्ता मैंने नहीं किया। तो अब चलते हैं नीचे और निकालते हैं खाना और खाना खाते हैं। बुकी, मैंने तेरे को बोला भी था मैं आ रही हूँ, अपना निकाल के बैठ गई खाने। तो वहाँ पर ऊपर मैंने इसको बोला भी था मेरे लिए भी निकालना है, अपने लिए निकाल के आ गई बुकी नदी भी। तो व्यूअर्स खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो व्यूअर्स मेहमान आए थे स्पेशल केकड़े खाने, तो ये केकड़ों का सालन है जो कि जन्नत ने बनाया है, और ये है बिरयानी और ये भी जन्नत ने बनाई है। आज खाना वाना सब कुछ जन्नत ने बनाया, मैंने खाना लगाया है और ये है रायता। तो बिरयानी जिसको खानी है वो आ जाए, और यह फ़िश बिरयानी और बहुत टेस्टी और यमी बनाई थी, और यह केकड़े, और जिसको केकड़े खाने वो भी आ जाए।